हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 12th का रिवीजन का वीडियो नंबर 6। तो बेटे, ये क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन का छठा वीडियो है, और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप क्लास 12th के रिवीजन के सभी वीडियोस देख सकते हो और समझ सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है ठोस अवस्था के रिवीजन का भाग नंबर 6। तो आज हमारे पास ठोस अवस्था वाले चैप्टर के रिवीजन का छठा पार्ट है, और इससे पहले 5 वीडियो में भी आपको ठोस अवस्था का रिवीजन कराया गया है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 26, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रिवीजन के वीडियोज हैं, इनमें स्पीड हमारी थोड़ी फास्ट है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि इसमें हम सारे बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हें ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में दिया है कि सोडियम धातु काय केंद्रित एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता है। काय केंद्रित का मतलब अंतः केंद्रित, जिसे आप कहते हो बॉडी सेंटर्ड। तो सोडियम धातु बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में है, जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या बतानी है हमें। उत्तर देखो जरा ध्यान से, कोर कितनी दी है? 4.29 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर, तो इसे आप लिख सकते हो 4.29 × 10^-10 मीटर। और त्रिज्या पूछी है कण की, R = ? आपको पता है काय केंद्रित कह दो या अंतः केंद्रित कह दो या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, आर और ए के संबंध का, R = √3/4a। तो √3/4 और ए कितना दे रखा है कोर, 4.29 × 10^-10। तो जब आप इसे √3 की वैल्यू रख लोगे ना, 1.732, 1.732 इसे 4 से कैंसिल कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 1.85 × 10^-10 मीटर। या तो यही आंसर दे दो, पर आपको दिखाई दे रहा है 10^-10 मीटर है, तो इसे आप 1.85 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल FCC क्रम में है। जो आपका NaCl क्रिस्टल है वो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फलक केंद्रित घनी है। एकक कोष्ठिका में Cl नेगेटिव आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं इसके उत्तर पर। देखो FCC में Cl नेगेटिव आयनों की यदि आपको संख्या निकालनी है ना, तो FCC में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं? कोने पर होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं, यानी कोनों पर होते हैं और फलक केंद्र पर। तो आपको कोने पर देखने हैं कितने Cl नेगेटिव आयन है और फलक पर देखने हैं कितने Cl नेगेटिव आयन है। अब आपको पता है कोने कितने होते हैं? 8। और कोने पे जो कण होता है उसकी हिस्सेदारी होती है 1/8 की, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। और फलक पर कितने कण होते हैं? 6। उसकी हिस्सेदारी होती है 1/2 की, तो 2 * 3 = 6। तो ये एक तो ये आया और 2 * 3 = 6 ही आए, तो 4 Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे। NaCl क्रिस्टल FCC क्रम में है, एक एकक कोशिका में कितने Cl नेगेटिव आयन होंगे? 4 होंगे। सारी दुनिया को पता है कि FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन है, एक घनीय संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से बना है। मान लो एक यौगिक है, घनीय है, उसमें दो तत्व हैं ए और बी, यानी ए के परमाणु भी हैं और बी के परमाणु भी हैं। ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी फलक केंद्र पर स्थित है, यौगिक का सूत्र बताइए। मुझे एक बात बताओ बेटे, ए कहाँ है? कोनों पर। कोने कितने होते हैं? 8। कोने पर स्थित कण की हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8। तो कितना आया? ए। ए जो है उसका वैल्यू तो आया 1 या 1। और बी कहाँ है? फलक पर है। फलक कितने होते हैं? 6। फलक पर स्थित कण की हिस्सेदारी कितनी की होती है? 1/2 की, तो 2 * 3 = 6। यानी ए और बी का अनुपात कितना आया? 1/3। ये लिख लिया 1/3।
सूत्र हो जाएगा A1, A के नीचे तो ये लिखना है, B के नीचे लिखना है ये A1B3, और 1 को तो लिखने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, तो आप AB3 इसे लिख सकते हो। तो इसका अणु सूत्र क्या होगा, AB3 होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है, एक तत्व BCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है, जिसकी कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। तो यहां हमें निकालनी है परमाणुओं की संख्या। तो उत्तर देखो जरा ध्यान से, बीसीसी के लिए जेड बराबर कितना होता है, 2। आपको पता है बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बीसीसी के लिए जेड बराबर 2 है। ए इन्होंने दे रखा है कोर की लंबाई 288 पीकोमीटर, पीकोमीटर को आप लिख सकते हो 10^-12 मीटर, तो ये हो जाता है 288 × 10^-12 मीटर। पर इन्होंने घनत्व सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसलिए मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 288 × 10^-10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है हमने इसे सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि घनत्व इन्होंने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। घनत्व कितना दे रखा है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इन्होंने दे रखा है मास यानी द्रव्यमान दे रखा है 208 ग्राम। अब हमें निकालनी है परमाणुओं की संख्या। तो ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सीधा फार्मूला हिट करना। परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो MZ/dA³ लगाना है आपको। मुझे पता है कि आपके स्कूल में या फिर कोचिंग में इस क्वेश्चन को एक लॉन्ग मेथड से कराया गया होगा, पर बेटे आपको सिर्फ ये फार्मूला ध्यान रखना है परमाणुओं की संख्या निकालने का, MZ/dA³। एम कितना है, 208 ग्राम था, जेड कितना है, 2, डी घनत्व कितना है, 2.7, और ए क्यूब कितना है, ए कितना है, 288 × 10^-10 का क्यूब कर दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.44 × 10^24 एटम, इतने परमाणु आएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30वां क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। 30वें क्वेश्चन में कहा है, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल के कोर 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। अब बच्चे कंफ्यूज पता क्या होते हैं, कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि यहां भी परमाणुओं कितने परमाणु होंगे, यहां भी परमाणुओं की संख्या पूछी है और यहां भी परमाणुओं की संख्या पूछी है। तो परमाणुओं की संख्या दोनों में पूछी है, पर दोनों क्वेश्चन में एक अंतर है, पता क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, इन्होंने पूछा है 208 ग्राम में बताओ कितने परमाणु हैं, और इन्होंने पूछा है एकक सेल में परमाणु बताओ कितने हैं। इस चीज को ध्यान से क्लियरिफाई कर लेना, एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वहां देख लेना कि उन्होंने एक द्रव्यमान दिया है उसमें परमाणुओं की संख्या पूछी है या यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या पूछी है। इस चीज को क्लियर कर लेना जब करना क्वेश्चन को। साथ में इन्होंने सोडियम का घनत्व भी दिया है 0.9623 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और परमाणु भार आपको बताएं सोडियम का कितना होता है, 23, जिसे आप मोलर द्रव्यमान कह सकते हो और कैपिटल एम से भी प्रदर्शित कर सकते हो। एम का मतलब मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। देखो उत्तर में ए कोर कितना दिया था, 430 पिकोमीटर, तो आप इसे लिख सकते हो 430 × 10^-10 सेंटीमीटर। यदि आप 12 लिखोगे तो यहाँ मीटर लिखना पड़ेगा, पर हमने घात 2 और घटा दी, 10^-10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराए, इसलिए यहाँ घात 10^-10 लगाई है। जेड हमें निकालना है, जेड का मतलब ही तो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन यूनिट सेल, पता है ना आपको। डी घनत्व कितना दे रखा है, 0.9623 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और मोलर द्रव्यमान सोडियम का होता है 23। तो अब लगाएंगे हम फार्मूला, यहाँ फार्मूला कुछ और था, यहाँ कुछ और है। घनत्व बराबर Zm/A³ ने, ये तो सिखाई रखा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जेड। तो यहां से जेड का क्या बन जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई और अपॉन में चला जाएगा एम, DA³NA/M। डी कितना है, इतना है, ए क्यूब कितना है, इतना है। ए दे रखा था ना इन्होंने, ये ए भुजा की लंबाई दे रखी थी, इसका हमने कर दिया क्यूब। एन ए अवोगाड्रो संख्या सारी दुनिया को पता है, 6.023 × 10^23 अपॉन एम कितना था, मोलर मास 23 था। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 2.00355,
जिसे आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 कह सकते हो, इसका मतलब दो ही तो है, तो दो परमाणु होंगे। कितने परमाणु होंगे? दो। एक यूनिट सेल में दो परमाणु होंगे, तो एक बात साफ है, वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, क्योंकि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का तो बहुत कम क्वेश्चन है हमारे पास, है ही नहीं यू समझो। तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। कौन सा होगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, 31वां क्वेश्चन देखो। NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 × 10⁻²⁰ सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन दे रखा है ए क्यूब, ध्यान रखना है। इसका घनत्व बताइए। आयतन दे दिया और घनत्व पूछ लिया। देखो उत्तर, ए क्यूब, या तो वी लिख दो इसे, या तो ए क्यूब लिख दो, आपकी मर्जी है। ए क्यूब दे रखा है 2.01 × 10⁻²⁰ सेंटीमीटर क्यूब। एम मोलर द्रव्यमान NaCl का, सोडियम का तो होता है 23 परमाणु भार, और Cl का होता है 35.5, इसे जोड़ के आ जाएगा 58.5। डी माने डेंसिटी हमें बतानी है। जेड बराबर चार होता है, जेड बराबर चार होता है, आपको बताया FCC में होता है, NaCl बार बार मैंने आपको बताया FCC। नमक जो है उसके लिए जेड का वैल्यू चार ही रखना है आपको, चाहे कैसा ही सवाल आ जाए। तो इसमें जो है जेड का वैल्यू चार रखेंगे, और एवोगैड्रो नंबर आपको याद ही है 6.023 × 10⁻²। फार्मूला लगाओगे आप, इन्होंने घनत्व पूछा था ना, इसका घनत्व बताइए, तो फार्मूला लगाओगे डी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। जेड कितना है? चार, नमक के लिए चार होता है। एम मोलर मास NaCl का 58.5 होता है। ए क्यूब इन्होंने दे रखा था, कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इन्होंने ए क्यूब की ही वैल्यू दी है, इसका भी क्यूब कर देते हैं, ए क्यूब की वैल्यू माने आयतन दिया है। तो यहाँ ए क्यूब का आप वैल्यू रखोगे, ऐसा मत कर देना कि इसका ब्रैकेट लगा के और घात तीन कर दो। घात तीन क्यों करेंगे हम, जब इन्होंने ए क्यूब ही दिया है, आयतन ही दिया है। एन ए एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू रखो, और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.193 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है NaCl के एकक सेल का आयतन 1.81 × 10⁻²² सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए, हमें बताना है घनत्व डेंसिटी। उत्तर पे ध्यान दो। NaCl के जो लिए जेड का मान कितना होता है? 4। NaCl का मोलिकुलर मास कितना होता है? अणुभार कितना होता है? 58.5। आयतन कितना दिया है? 1.81 × 10⁻²² सेंटीमीटर क्यूब। अवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10⁻²³। घनत्व निकालना है, डी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए लगाओ आप। जेड का वैल्यू रख दिया, एम का रख दिया, ए क्यूब का रख दिया, एन ए। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2.14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे आज के क्वेश्चन, और यहां पर हमारा खत्म हो जाता है पहले यूनिट का रिवीजन। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे यूनिट का रिवीजन, ठीक है बेटे? तो सेकंड यूनिट को लेकर आता हूं अभी थोड़ी देर में आपके पास, आप अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।